मुरादाबाद जनपद के ठाकुर द्वारा थाना क्षेत्र में रिश्तों को तार तार कर देने वाला मामला प्रकाश में आया है, जहां एक भतीजे ने अपने पिता समान चाचा को गोली मारकर जान से मारने की कोशिश की। घटना के बाद से आरोपी फरार है। मामला ठाकुर द्वारा थाना क्षेत्र के सुंदरनगर का है, जहां एक भतीजे ने जमीन के विवाद में अपने चाचा को गोली मार दी। बताया जाता है कि गांव में रहने वाले दो भाइयों में लंबे समय से जमीन का विवाद चल रहा था। आज दोनों भाई आमने सामने आ गए। पहले दोनों में कुछ कहासुनी हुई, बाद में मामले ने तूल पकड़ लिया और देखते ही देखते बड़े भाई के बेटे ने अपने चाचा के गोली मार दी। गोली लगने से चाचा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस का कहना है कि फिलहाल पीड़ित की तहरीर पर मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपी भतीजे की तलाश की जा रही है। इस बात के मतलब बेफालतू ही लड़े हमसे, पर डोलमैन का झगड़ा तो वो भी हो गया, और क्या कहना, गोली दे रास्ते में मिला तो, और घर को आकर मारने के लिए। अब कौन सी ऐसी नो बताई जो गोली चली, किस बात को लेकर ये झगड़ा हुआ था? तो झगड़ा गाली का हुई ना, खाना खाने गए थे, पड़ोस में दावत थी, मैं तो घर भी थी। गोली चलाने वाले और इनमें क्या रिश्ता है आपस में? चाचा भतीजे हैं। गोली किसने चलाई? गोली जी, क्या मामला है आपका? गोली मारी ना, तो इसी में आए हम। किस बात को लेके मारी गोली? अब ये तो इनमें झगड़ा हुआ आपस में, मैं तो बाहर काम कर जाता था, कहीं काम पे था, फोन गया तब आए हम। झगड़ा किस बात को लेकर था? झगड़ा अब ये तो इनमें घर हुआ ना, हम नहीं घर पे नहीं थे, हम तो रिश्तेदार है ना। अच्छा, भतीजे ने चाचा को गोली मारी। हाँ, क्या चाहते हैं आप, किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं आप थाने आए? कार्रवाई होनी चाहिए, पकड़ा जाना चाहिए, सजा मिलनी चाहिए। रुपये रखी थी, गाली देने लगा पापा को, अभी तो पिटा भी पिटेगा दोबारा, तो पापा को मैं घर बुलवा लाया, मैं वहाँ खाना खाने लगा तो आके घर आके लपट गया, फिर गोली मार दी। अब फैल हुआ, हम आके देखा तो सर खून निकल गया खोपड़ी में से। कहाँ गोली मारी? खोपड़ी में, सर में। हाँ, किसने मारी, आपके चाचा ने? ना, ताऊ के लड़के ने। वहाँ साहब एक लड़का मुझे गाली देने लगा, मैं अपने, मेरा लड़का भी था वहीं पर, अल्लाह भैया जी गाली दे रही आए, बोले पापा तुम घर चले जाओ। मैं सर घर आ गया, घर आने के बाद मैं अपने घर में बैठ गया, वो उधर से आए तीन चार जने गाली गलौज देने लगे, तो बालकों ने गेट बंद कर लिया, मेरे लड़के को मेरी घरवाली ने पकड़ लिया। दूसरी साइड से एक मोड़ा और था, वो खुला हुआ था, उधर से आया उसने अब घर देसी फायरिंग करा था। अब ये लगे किसने फायरिंग करी है? मेरे पर करी था। किसने करी है? कौन? वो लड़का दीपक, वो देविंदर। क्या करता है? फैक्ट्री में भी काम करता था, खेती भी करता। क्या कोई पुरानी रंजिश है? पुरानी रंजिश साहब, डोलमेंट की चल रही थी हमारी, और साहब एक बार मेरे दिन में चोरी हुई थी, तब भी उन लोगों ने साथ दिया था, वो हमारे परिवार के, और पिछले साल के साथ मुझे इतना मारा था उन्होंने कि मेरी घरवाली लेके थी, हमने जाकर रिपोर्ट भी करी जलाल में, चौकी में राजनांगल, लेकिन साहब गांव वालों ने फैसला उसला करके वो से पेशेंट आया था, और वो जो अपनी हिस्ट्री दे रहा था, वो कह रहा था कि मुझे किसी ने एक झगड़ा हो गया है घर में और उसमें मुझे गोली लगी है। मगर उसको जब यहाँ चिकित्सा कक्ष में लाया गया तो उसका परीक्षण करने के दौरान उसके जो घाव था, सिर पर उसके घाव थे दो, मगर उसके आसपास कोई ब्लैकनिंग या टैटूनिंग जैसे कि गोली के निशान में मिलती है ऐसा कुछ नहीं मिला, वो नहीं पाया गया। तो उसको आगे के लिए सीटी स्कैन कराने के लिए हमने फिर मुरादाबाद यहाँ से रेफर कर दिया था, कि अगर कुछ अंदर कुछ मिले उसके तो प्रूव हो सकता हो कि शायद गोली हो, तो उसके लिए हमने उसको